हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? बड़े दिन बाद कॉल किया आपने। हमें ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपा, वो ज़रा कोशिश कीजिएगा अम्मा तक ये बात ना पहुँचे, गुस्सा होंगी मुझ पे। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जमशेद? बस ये समझे आपा कि किस्मत ने साथ दिया। थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो माशाल्लाह वहाँ कुछ अच्छे पैसे बनने लगे। तो फिर दोस्तों ने मशवरा दिया ना, तो वो एक आध जगह और इन्वेस्ट कर दिए। अब वहाँ से भी माशाल्लाह प्रॉफिट आ रहा था। हम जानते हैं तुम्हें कौन मशवरे दे रहा है, ये सब समझ रहे हैं हम। क्या बात कर रही हैं आपा? जब तुम्हें दूसरे बिजनेस में फायदा हो रहा था जमशेद, तो तुमने हबीब के साथ पैसे क्यों लगाए? अरे कैसी बात कर रही हैं आपा, आपको तो खुश होना चाहिए कि हबीब भाई और मेरे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह पार्टनर हो गए हैं हम दोनों, एक बराबर हो गए। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों का फायदा हो रहा है? मैं सब जानती हूँ ये किसका फायदा हो रहा है, ये कौन मशवरे दे रहा है, ये सब राहिला का सारा 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 खेल उसका है। वो नचा रही है मेरे शौहर को और उसकी बहन मेरे भाई को। सब समझ रही हूँ मैं, तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग अंधे हो गए हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो? आपा बिल्कुल जाहिलों वाली बात करती हैं आप। ये किस तरह बात कर रहे हो जमशेद हमसे? और किस तरह बात करूं आपा? आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपना फायदा अपना नुकसान, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ये तुम्हारी जबान नहीं है, तुमने हमसे कभी इस तरह बात नहीं की जमशेद। तुम सब तुम्हारी साली की जबान। हाँ हबीब, क्या बात है, खैरियत तो है? जी सब खैरियत है भाभी। मुझे पता है ज़हीर भाई के इंतकाल के बाद आप ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, मगर बात ज़रूरी थी इसलिए बुलाया। हबीब बता बच्चे को क्या बात है, हम खा उसको बाहर सुखा रहे हो हमें अंदर। देखिए आप सबको पता है कि कारोबार की क्या क्या हालत थी। कुछ दिन पहले बंद होने वाला था कारोबार, हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर हमें मिल नहीं रहा था, है ना? अगर अब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, इस कारोबार को मैंने मैंने बचा लिया। लेकिन ये बातें तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाभी सब जानना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर मैं लाया हूँ वो कौन है, इसलिए। हाँ, बताओ जरा कौन है इन्वेस्टर, हमें भी तो पता होना चाहिए। वो इन्वेस्टर जमशेद है, मेरा साला। ये क्या कह रहे हो अभी, तुम्हारा साला वो इन्वेस्टर है? जी, वो अब इस कारोबार में हिस्सेदार है, उसने इन्वेस्ट किया है, 20% उसका हिस्सा है। हबीब तुम्हें अपने साले को हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी आखिर? तू सर पर चढ़ा रहा है उसको इतना। ये फैसला तुम खुद कैसे कर सकते हो हबीब? किसी को भी हिस्सेदार बनाने से पहले तुम्हें कम से कम उससे तो पूछ लेना चाहिए जिसका ये सारा बिजनेस है, यानी मैं और फाखर। कहीं तुम इस गलत फहमी में मुब्तला तो नहीं हो कि ये तुम्हारा बिजनेस है और तुम कोई भी फैसला कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो हबीब, जहीर के बाद मैं और फाखिर ये फैसला करेंगे कि इस कारोबार का, इस बिजनेस का कौन हिस्सा बनेगा और कौन नहीं। मैं जो इन्वेस्टर लेके आया था चाचू, वो सिर्फ 10% मांग रहा था। चाचू क्या हमारे बिजनेस पे जो है बाकी लोग, आप प्लीज उनको उनके पैसे वापसी कर दें। और ये हमारा फैमिली बिजनेस है, आप किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे कैसे? सुन लिया तुमने, ये है हमारा फैसला। जिसका पैसा आप वापस करने की बात कर रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं देता तो बैंक जब्त कर चुका होता ये कारोबार, ताला पड़ जाता इस कारोबार को, कोई नाम लेने वाला नहीं होता इसका। अभी जरूरी तो नहीं था कि बैंक सब कुछ एक वक्त में ही जब्त कर लेता भाई, हम उनसे थोड़ा वक्त ले सकते थे ना। नहीं, बैंक और कोई वक्त नहीं देता, जितना वक्त दिया था बैंक ने दे दिया। हाँ लेकिन जो भी था हम कोई रास्ता निकाल लेते, कम से कम कोई हिस्सेदार तो ना बनता कारोबार में। बिल्कुल, आप वो मीटिंग कर लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते फिर हम। हबीब तुम्हें क्या लगा कि जहीर के जाने के बाद तुम सियासफेद के मालिक हो? हमसे मशवरा तो करते,
इतना तो हक था हमारा कि हम सब मिलके कोई फैसला कर लेते, कोई हल निकाल लेते। हबीब, समीना बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें घर वालों से मशवरा तो करना चाहिए था ये फैसला करने से पहले। इसीलिए तो भाई साहब ने कभी अपने कारोबार के मामलात में तुम्हें शामिल नहीं किया, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा नुकसान ही तो पहुंचाया। हो गई बात, अब मैं कर लूं अपनी बात। बजाय इसके कि आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, मेरे सर पे चढ़कर बैठ गए सारे, बोले जा रहे हैं। मैंने जमशेद को जबान दे दी, उसने इतनी बड़ी रकम बिना कुछ सवाल के मेरे हाथ में लाकर रख दी। कोई पेपर वर्क, और पेपर वर्क का टाइम कहाँ था, बगैर पेपर वर्क के इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी उसने। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये सुन ले सारे आप। और अगर भाई साहब होते ना तो वो भी यही फैसला करते। नहीं, आप लोग इससे ज़्यादा रकम लेकर आ सकते तो ले आए एक दिन में। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ मैं। टट्टर टट्टर किए जा रहे हैं सारे के सारे। कैसे कर सकता है? ना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या मसला हो गया? अरे अब्बा, मसला हुआ है मेरे लिए, अजाब बना दी यार मेरे लिए। एक तो मुझे घर से ऑफिस बुलाया बिजनेस संभालने के लिए, ऊपर से सारा काम दे दिया सर पे, और हेल्प ही नहीं कर रहे मेरी। वो मामू है ना, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया मैं बेलवाजे का, नहीं चलाए जा रहे ऑफिस में। हाँ तो मुझ पर क्या रख रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे अब्बा ने जो कदम उठाया है ना, वो कुछ सोच समझ के उठाया होगा, या क्या पता कोई मजबूरी हो। मेरी बात सुनो, मेरे जमशेद मामा बहुत अच्छे। बड़े अच्छे है तुम्हारे मामा, एक नंबर की लालची इंसान हो तुम्हारे अब्बा कमंडी। मेरे अब्बा? हाँ, ये मैं भूलो कि मेरे अब्बा तुम्हारे चाचा भी है, तमीज से बात करो तुम। अच्छा, अगर नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी बताओ? मैं तुम सबका मसला बताऊं क्या है? तुम सब पता नहीं अपने आपको क्या समझते हो, जब बड़े अब्बा के पास पैसे थे तब भी पता नहीं हम सबको क्या समझते थे तुम लोग। हाँ, सब पे घर में तुम लोग अपने हुक्म चलाते हो, तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम लोग जो एक नंबर के सेल्फिश, इतना एहसान किया हम लोगों ने तुम पे, आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने एहसानात गिनवाते हो तुम लोग और हर चीज जताते हो। अगर इंसान ना शुक्र हो ना तो उसको एहसान जता देने चाहिए। खुद को देखोगे, एक नंबर की सेल्फिश, घर में 10,000 मसले पड़े हैं यहाँ पे बैठ के। क्या दिखा रहे हो तुम, मुझे ऑप्शन खान लूंगी मैं। नीचे आओ। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। तुम भी बड़ा कर सकते हो, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो आ जाती, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। जाओ यहाँ से, जाओ, घूमो जाओ यहाँ से। आप याम भाभी, तुम्हारा मक्कार चेहरा देखने के लिए आई। क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे जो साजिश है ना, जो तुमने जाल बिछाया है, मुझे ठीक तरीके से दिख रहा है। अपने भाई को तुमने साजिश में शामिल करके वैसे अच्छा नहीं किया। अभी आप, मुझे तो लग रहा था आप खुश होंगी, तो बचा लिया जमशेद ने कारोबार को। बचा लिया? बचा नहीं लिया, फायदा उठाया है। सोची समझी साजिश है ये सारी, खूब जानती हूँ मैं। मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये शुरुआत है। ये जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राख हो जाओगी। भाभी, लग रहा है जल तो आप रही हैं, कि कहीं हम आपकी बराबरी पर ना आ जाए। कुछ भी कर लो, मेरी बराबरी तुम नहीं कर पाओगी, ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। अभी बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर, मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, गुरूर मान टूटेगा मेरा, तुम्हें बहन जो समझा मैंने, अपनी छोटी बहन समझती रही हूँ मैं तुम्हें। देखो, तुम तो हस्तीन का सांप निकली, जिसे डसता तो था ही। बस भाभी, बहुत सुना लिया आपने मुझे, चली जाए आप यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारी ये साजिश में कामयाब नहीं हूँ। इतना सारा हंगामा हुआ घर पे, तो फिर समीना भाभी ने क्या कहा? भाभी क्या कहेंगी, उन्हें बताया मेरे खिलाफ जाएंगी तो उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। उनके फाखिर तो अभी बच्चा है, वो कारोबार संभाल नहीं सकता और ना वो खुद कुछ कर सकती हैं। कोई ना कोई तो चाहिए उन्हें कारोबार संभालने के लिए, इसलिए अभी वो खामोश होकर बैठ गई है। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना, इस वक्त तो वो खामोश हो गई हैं, लेकिन जरूर वो मौके की तलाश में होंगी।
और फौरन बिजनेस के मामलों को ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। आखिर घर में क्या चल रहा है, अब्बा ने क्या किया है? वही जो नहीं करना चाहिए था, फैसला कर लिया और सबको बता दिया। जमशेद मामा को बिजनेस में शामिल कर दिया। हाँ तो अम्मा, अब्बा ने जो भी किया है इसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुनने को मिल रही हैं? तुम्हें किसने बातें सुनाई, फाखिर ने? जी, सारा अब्बा का गुस्सा आके उसने मुझ पे निकाल दिया। और अम्मा मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये कोई बात होती है इस घर के मर्दों का? यही वो जमशेद को कारोबार में पैसे लगाने का मशवरा तुमने दिया था? नहीं अम्मा, मैंने हबीब से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी को मशवरा दिया है। मुझे तो खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम उससे, बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। तुम्हारा शौहर है एक, और एक तुम्हारा भाई है, और तुम्हें ये पता नहीं कि उनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है? कैसे हो सकता है ये सब? नहीं अम्मा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हबीब मुझसे कारोबार की कोई बात नहीं करते, और ये आप जानती हैं। और रही बात जमशेद की, जब से उसने राहिला की बहन से शादी की है मैं उससे कोई बात नहीं करती। मुझे इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता। तुम्हारी जैसे बेवकूफ औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। अरे तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होती? कुछ तो अकल से काम लिया करो, अपने भाई और शौहर की खबर रखा करो। नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो? चलो अब जाओ यहां से। सुनो जी, अगर मुझे पता चला ये तुम्हारी चालाकी है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।